कोई सिंह पहुंचे हुए सी उन्होंने पूछा मैं कहे वो महाराज नूं तुम थोड़े तो बचन बिलास हुंदे रहिंदे वी तुसीं इह मैनूं पुछ के दस्सिओ वी अज कल दुनिया दे अंदर बहुत प्रॉब्लमां कट्ठियां होईआं पईआं काले इलम चलदे ने किते मंत्र जंतर चलदे ने किते आह प्रॉब्लम चलदी है किते बीमारी है असीं तां अक्के पए लोकां तों वी सारी दुनिया ही बीमार है नानक दुखिया सब संसार होया वी मैनूं सिरे दी इक गल दस्सो इन्हां नूं की दस्सिआ करीए उन्हें गा महाराज नूं बेनती की बाबा जी को दसवें पातशाह कहिंदे सवा लख मूल मंत्र जे कोई टिक के बैठ के कर दूगा उहदे घरे कोई चीज़ ना रहो माड़ी हर प्रकार की कृपा हो जाणी है। और एक बीबी का मैनूं फोन आया कि मैं अमरीका ते इंडिया तो फोन गया था कहनी असीं बड़े जोशी बड़े उधर बड़े मुसलमान पता नहीं छड्डे ही कख नहीं सी कहनी कथा सुनी तुसी क्या सवा लख मूल मंत्र करो सानू काफ़ी फर्क पै गया फिर सवा लख फिर सवा कहनी मैं हुण 12वां लख शुरू किया 12 लख मूल मंत्र बच्चे भी सुधर गए घर च भी शांति हो गई सारे पास्यों काम भी ठीक हो गए ऐन घर दे शराबां पाणी छड्ड के सारे ने अमर छक लिया कहनी तो भुल ही रहे आ लोगों ने जपजी साहब कराई देने हुण कहिंदे अच्छा जपजी साहब च बड़ी ताकत है भी तो ताकत ओदे विच जिहड़ी उह जोत रखी नाले कहने आ कि दसां गुरां दी जागदी जोत गुरु ग्रंथ साहिब ते उह गुरु ग्रंथ साहिब विच जिहड़ी जोत आ उह जपजी साहिब विच भी आ ना मूल मंत्र विच भी उही जोत कम करदी है ते वाहिगुरु मंत्र विच भी उही जोत कम करदी है जमीन जमा के विखै समस्त एक जोत है ना घाट है ना बाढ़ है ना घाट बाढ़ होता है उही जोत है पूर्ण जोत जगह घट मैं बाबा जी तो जागी सी तब खालसता है न खालस जन है बाबा जी कहना जो जगी कहने मैं समझ गया जो कह रहे हो मैं थोड़े ने मूल मंत्र किया करो इन्नी खो गई फिर किया फिर इतने तक चली गई फिर सारे शरीर च दिखन लग पी फिर होर फिर सारे कमरे च फिर कहते कई मीलों तक फिर होर कहने अज मैनू आ चीज़